नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे सीधे पेड़ को ही जल्दी क्यों काट लिए जाते हैं। दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वह भी तो एक भावना का रूप है, तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, तो किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाए और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियाँ लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहाँ पर एक भिक्षु रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया, तो उसने उस लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है, इसका क्या मतलब है, बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते, आपको क्या मतलब, आप खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं। भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है, मेरे ही तरह है, यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो मुझसे क्यों परेशानी है। यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ, यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखे जा रहा था। वो उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी है आप, आपके सामने कोई इंसान रहा है, दुखी है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते, आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है, बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप, आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए, और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वो युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी थी, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा, कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा बस, उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेना चाहिए।
जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, बड़ा ही शीतल पानी है वहाँ का, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वो लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे हो लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा कि महात्मन, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात अपने लोग ही धोखा देते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, ये धोखेबाजों के लिए है, मक्कारों के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसे जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया, अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दो इस दुनिया को। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है। भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो दो वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षु मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नरक हो जाता है। भिक्षु ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो। इसीलिए सबसे पहले बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, अंदर से तुम्हारा दिल नर्म है। अगर उन्हें यह कमजोरी आपकी पता चल गई तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो, ऊपर से कठोर बने रहो। जब अगली पहचान या अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की, आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वो चापलूसी करना